कृपया वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाकर ऑल कर दें ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं आप उसको सबसे पहले देख सकें। अब ये नेताला पे पहुंच गया हूँ मैं और यहाँ पे एक भंडारा लगा हुआ है और उसी के ये बूढ़े बैठे हुए हैं और देखते हैं क्या चाट पकौड़ा खा रहे हैं या गोलगप्पे खा रहे हैं बूढ़े हमारे, देखते हैं। ये गौमुख गंगोत्री के पवित्र मार्ग पर 24वां विशाल भंडारा। ये सब वैरायटी भोलों के लिए है, मट्ठी, नमक पारे, लड्डू, बालू साई। ये आलू की टिक्की भी दी जा रही है भोलों को। सभी भोले चाट पकोड़े, चाय वाय का प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। बहुत सारी कावड़े झूल रही हैं भोलों की। भोले यहाँ पे अपनी अपनी कावड़े झुला के कुछ आराम कर रहे हैं, कुछ भंडारे का प्रसाद चख रहे हैं और कई भोले सामने से आ भी रहे हैं। चलो देखते हैं। जय भोलेगी। और भोले को हम चाहते हैं कि भोले की इनसे कुछ इनका हमारा परिचय कर ले, थोड़ा चलते हैं इनके पास और इनसे परिचय करते हैं। और सामने ही एक पहले ट्रक आ रहा है जिसके शायद ये भोले आगे आगे जा रहे हैं और ट्रक इनके साथ चल रहा है और सेवादार इनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कुछ नाश्ता या हुक्का पानी आप करके जाए। चलो देखते हैं, परिचय करते हैं। जय भोले की। जय भोले की। और भोले जी कैसे हो? भगवान भोलेनाथ की दया से अच्छे हैं भोले जी। और कहाँ से ला रहे हो कावड़? भोले गौमुख से कावड़ लेकर चल रहे हैं। अच्छा, सभी गौमुख के हो? हाँ, सभी गौमुख के भोले। कहाँ जाओगे भोले? भोले हरियाणा जींद बागड़ूकला। चढ़ाओगे कहाँ पे? बागड़ूकला गाँव हरियाणा में, जींद जिला। हाँ जी। अच्छा, कितनी कावड़ ले जा चुके हो भोले जी? भोले गौमुख से दूसरी है, बाकी हरिद्वार से पांच और ले जा चुके हैं। और भोले अभी आठवीं कावड़ चल रही, हमारी भी दो दो तीन तीन कावड़ की एक साथ ही है। हम भोले सारे ग्रुप है। भोले सारे ग्रुप दिल्ली से हो? भोले हाँ, कुछ भोले दिल्ली से है। लोनी सेक्टर। और कितने साल से ला रहे हो कावड़? दूसरी किस लिए लेके आ रहे हो कावड़ आप? भोले भोले किस लिए लेके आते हो कावड़ आप? परिवार की शांति के लिए या अपने परिवार की शांति के लिए, अपने लिए स्वस्थ रहने के लिए? क्या कैसे लाते हो?
अच्छा अच्छा। ओ बोले जी आप ये खा रहे हो, क्या खा रहे हो बोले जी? ये कहाँ से लिया? भंडारे से? बढ़िया लग रहा है। आप बोले आप नहीं खा रहे भंडारे का? क्या खा लिया? चलो जय भोले की। जय भोले की जी। भोले अच्छा बोले मेरा यूट्यूब चैनल है एम के बाबा कावड़ यात्रा, आप मोबाइल है तो देखो। नंबर ले ले बोले का लिंक है। हाँ ये तो बोला देखते रहता हूँ। हाँ ना ये बोला देखा, इसने बताया था पीछे भी आप बोले थे ना, तब से ये बोल रहा है बोला ये। जय बोलेगी। जय बोलेगी। और बोले जी कैसे हो? मैं ठीक है जी। कहाँ पे आए हो? कावड़ लेने आए या सेवा में आए हो? कावड़ लेने आए। कावड़ लेके जा रहे हो? हाँ जी। कहाँ जाओगे बोले? सोनीपत। सोनीपत कहाँ चढ़ाओगे कावड़? कलोई गंगोरी। कलोई कलोई। अच्छा कलोई। अच्छा कितनी कावड़ ला चुके हो? दूसरी है यहाँ। दूसरी है। अच्छा जी कावड़ लेके आ रहे हो, किस लिए लेके आ रहे हो आप? मैंने बोली थी। बोली थी किस लिए? सुख शांति के लिए। हाँ मेरा दादा गुम हो गया था, मैं सुनो देव भी गया था। अच्छा अच्छा। बोल ली थी मैंने। ये अरदास करिए कि मैं आपकी कावड़ लाऊं तो मेरी हेल्प हो है। अच्छा जी। और ये आप बोले कहाँ से हो? सारे एक ही ग्रुप के हो? नहीं बोले तो पानीपत जिले से। पानीपत जिले के हो? आपकी कितनी कावड़ होगी बोले? बोले मेरी तीसरी कावड़ है। तीसरी कावड़ है गौमुख से? नहीं बोले गौमुख से एक ले जाओ, दो गौमुख से ले जाओ। अच्छा अच्छा। और कहाँ जाओगे बोले? हरियाणा पानीपत जिला है। पानीपत जिला। पानीपत जिला गाँव है पुराना। अच्छा अच्छा। और आप बोले? पानीपत बोले। पानीपत आपकी कितनी कावड़ होगी? सातवीं। गौमुख से या क्या गंगोत्री से? मेरी बात तो है उसकी बाकी को उतरी। और अभी और लाओगे? लाओगे और। बोले बोले जी आप पहली कावड़ ला रहे हो सीधे? हरिद्वार की प्रैक्टिस नहीं करी थी? करी है ना, फिर तो ले जाओगे बोले जी। राजपाल कहाँ लगाऊं? क्लिप दबा के। जय बोले की जी। जय बोले की जी। जय बोले। आपका बहुत नाम सुना हमने। कहाँ सुन लिया बोले? अरे जगह जगह राजपाल जी का नेताला में बहुत बड़ा भंडारा लगाते हैं, बहुत अच्छी सेवा करते हैं कावड़ियों की और खुद चल के सेवा करते हैं। कोई भेदभाव नहीं है आप में, किसी तरह का भी भेदभाव नहीं लग देखा हमने। मैं दो घंटे से देख रहा हूँ आपको, आप कैसे कावड़ियों को पानी पिला रहे हैं, चाय के लिए पूछ रहे हैं, सब तरह के ले रहे हैं। सब गंगा मैया की कृपा है जी। बढ़िया है बोले जी आप जो सेवा कर रहे हो। बोले कब से लगा रहे हो आप ये? बोले जी शुरुआत तो मैंने यहाँ से पहले कावड़ करी थी। अच्छा। पहले मैं 92 में पहली कावड़ लेने आया था यहाँ। अच्छा 92 में। हाँ और जब से लगातार मैं आ रहा हूँ यहाँ पे, और मैं 5 कावड़ लेके गया हूँ यहाँ से। गौमुख से? गौमुख से। 3 कावड़ में झूला लेके गया हूँ, 2 खड़ी कावड़ लेके गया हूँ। अच्छा जी बोले जी। 97 तक मैं कावड़ लेके गया हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ सुविधा नज़र नहीं आई तो मैंने सोचा बाबा एक छोटा सा भंडारा लगाऊं और आपके आशीर्वाद से पार हो जाएगा। तो आपने सावण की कावड़ छोड़ के ये बढ़ोगे आज सेवा में? नहीं मैं कभी हरिद्वार से या कहीं से कोई कावड़ लेके नहीं गया था। नहीं सावण की कावड़ तो आप नहीं लेके? नहीं मैं महाशिवरात्रि पे भी लेके जाता हूँ गंगोत्री से कावड़। अच्छा अच्छा। पिछले 15 साल से -13 में। अच्छा -13। हाँ जी। अभी फरवरी में भी आप गए थे हमारे साथ, लग रहा है मिले थे आप और हम। हुई होगी मुलाकात भोलेनाथ? हाँ, हुई थी मुलाकात वहाँ पे। तो मैंने ये सोचा था कि 5 कावड़ लेके जा रहा हूँ, 5 भंडारे करूँगा। अच्छा अच्छा। और गंगा मैया कृपा से आज 24वां भंडारा है। चलो नेक काम कर रहे हो, बोला दे रहा है आपको दबा के। और गाम राम मेरे साथ है, मेरे गांव के सब मेरे साथ हैं, पूरी टीम है। पड़ोस में गाँव कापा सेड़ा है, उसका भी सहयोग रहता है। कोरोना के कारण 2 साल भंडारा नहीं लगा यहाँ पे। हाँ वो तो सभी का नहीं लगा था, किसी का भी नहीं लगा। एक साल 2013 में भी भंडारा नहीं लगा। 13 में जो आपदा आ गई थी, आपदा आ गई जब भी नहीं लगा। आपदा आ गई। और दिल से सेवा करते हैं हम बगैर स्वार्थ, छोटा बड़ा कुछ नहीं देखते। बूढ़े से उम्मीद रखते हैं कि आपको बनाए रखे और बूढ़ों का आप ध्यान रखता रहे और सेवा करते रहे। गंगा मैया कृपा रहे और ये आगे चलता रहे। जय गंगे मैया की जय। हो बोल शंकर भगवान की जय। बोले आपका क्या नाम है? कालीचरण। और कहाँ से आ रहे हो अभी आप? गंगोत्री से।
कितनी कावड़ ला चुके हो आप? 2500 सुबह, दो एब्सेंट हुई बस। अच्छा, और तो कावड़ किस लिए लेके आ रहे हो आप? अजय कावड़ किस लिए लेके आते हो? काम है, परिवार की सुख शांति के लिए आते हैं। अच्छा, और कब तक लेके आओगे? जब तक भगवान बोले, बाबा बुलाएगा। अच्छा, कितनी उम्र हो गई आपकी? 65 साल। 65 साल में हो गई जी। पूरी कर ली अभी है बाकी कुछ? जो परमात्मा का हाथ है, अपने हाथ में कुछ नहीं है। अच्छा, परमात्मा के हाथ में है। हाँ जी। और कावड़ कहाँ चढ़ाओगे? आहार शिव मंदिर पे। अच्छा, बुलंदशहर। अच्छा, बुलंदशहर के हो। हाँ जी। तो ये सारे आप बुलंदशहर के हो? हाँ जी। अच्छा, आप भी इनके साथ ही हो? जी। तो आपने भी इनके साथ ही कावड़ लेके आए हो? अच्छा, एक ही साथ। चलो, मनोकामनाएं आपकी भोले शंकर पूरी करे, आपके परिवार को सुख शांति दे, आपके स्वस्थ सही रहे, तो आगे से भी आप कावड़ लेके आ चुके रहे। जय शंकर की। जय शंकर जी। तो कितनी कावड़ होगी बोले आपकी? बोले मेरी पहली कावड़ है। अच्छा, और कैसा लग रहा है आपको? बहुत मजा आ रहा है इन वादियों में, मजा आ रहा है कावड़ चलाने में। अच्छा अच्छा, भोलेनाथ का आशीर्वाद है, अपने आप चला रहे हैं भोलेनाथ। पहली कावड़ लेके आए हो आप? हाँ जी, लाइफ की पहली कावड़ है जी। और ये कावड़ ले आ रहे हो आप किस लिए लेके आ रहे हो? हाँ जी, ये कावड़ जो लेके आ रहे हो किस लिए लेके आ रहे हो आप? यही सर, ऐसी मस्ती के लिए, अपने घर की सुख शांति बनी रहे घर परिवार में। अच्छा अच्छा। हाँ जी, जय बोलेगी। भोले से उम्मीद करते हैं कि आपकी मनोकामनाएं पूरी हो और आप हर साल भोले की सेवा में कावड़ लाते रहें। 17 साल तो मुझे हो गए। जय बोलेगी। हाँ भोले जी, आप क्या कह रहे हो? भाई को 17 साल हो गए आते आते। 17 साल हो गए आपको? हाँ जी, रूट पे 17 साल हो गए गंगोत्री से। गंगोत्री से गोमुख से लेकर आया भाई, 17 साल हो गए। 17 साल हो गए मुझे लाते। अच्छा अच्छा, आपको तो कई बार मिल चुके हैं हम। आप जय बोलेगी। जय बोलेगी। जय बोलेगी। आज है 5 जुलाई 2023। रात को हम नेपाला में रुके थे, वहाँ से सुबह 5:30 बजे के करीब हम निकले थे वहाँ से, और अब हम उत्तरकाशी में आ गया हूँ। और यहाँ से थोड़ा सा ही आगे चल के मैं यहाँ से फुल क्रॉस करूँगा और उसके बाद मैं केदारनाथ रास्ते पे निकल जाऊँगा। मेरी जो यात्रा है वह है गंगोत्री से केदारनाथ 2023 की। इसके कई भाग होंगे, आप उसको सभी भागों को पूरा देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मेरा यूट्यूब चैनल है MK बाबा कावड़ यात्रा, इस पर धार्मिक यात्राएं हैं और आप इस पर सपरिवार और मित्र द्वारा देख सकते हैं। जय भोले की। जय शंकर की। ये उत्तरकाशी में एक भंडारा लगा हुआ है और यहाँ ही पे थोड़ा सा नाश्ता वास्ता कर लिया है हमने, और इसके बाद हम आगे के लिए प्रस्थान करेंगे और यहाँ से थोड़ा नाश्ता लेके और भंडारा करके फिर हम यहाँ से प्रस्थान करेंगे। जय भोले की। और जो भी आगे जो वीडियो होगी मल क्रॉस करने के बाद, ऊपर जाने के बाद, हम यहाँ पे इसकी वीडियो बनाएंगे।